प्रणाम। अपने सबके कृष्णाष्टमी के बहुत बहुत शुभकामना। अहाँ सबके समक्ष आए हम मैथिली गीता डॉक्टर जनक किशोर लाल दास जी द्वारा रचित मैथिली गीता के सातम अध्याय के सार के संगे अपने सबके सम्मुख प्रस्तुत छी। सातम अध्याय शुरू होइ छे महर्षि श्री अरविंद के एकटा उक्ति से। ओ कहे छथिन गीता कोनो व्यवहारिक आचार शास्त्रक पोथी नहि, ई तो आध्यात्मिक जीवन केर ग्रंथ है छे। गीता एहन कर्मक संदेश दैत छै जे कर्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान में समाहित भऽ जाइ छै आ जे भक्त सँ प्रेरित रहै छै अर्थात कर्ता अपना के सर्वोच्च यानी ब्रह्म के आत्मसमर्पित कऽ दैत छथि। एहि अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ब्रह्म एहि संसार और आत्माक समग्र ज्ञान देबे चाहैत छथि। अर्जुन के कहैत छथिन जे हमरा में चित्त लगा कऽ हमरे आश्रय लऽ कऽ कर्म योगक आचरण करैत मनुष्य संपूर्ण रूप सँ हमरा केना चिन्ह सकैत अछि। एहि अनुभव युक्त ज्ञान जनलाक बाद फेर किछु जनबाक शेष नहि रहि जाइत छैक। भगवान कहैत छथिन जे एहि चैतन्यमय आत्मा आ जड़ प्रकृति एहि दुनूक मिश्रण सँ संपूर्ण सृष्टि बनल अछि। जड़ प्रकृति अपरा कहबै छै आ चेतन जीव परा कहबै छै। एहि जगत के केर आधार हम ही छी, एकर उत्पत्ति आ विनाशक कारण सेहो हम ही छी। जलक रस हम छी, सूर्यक तेज हम छी, पुरुषक पराक्रम हम ही छी, अग्निक तेज हम ही छी, तपस्वीक तप आ बुद्धिमानक बुद्धि हम ही छी। सारांश जे त्रिगुणात्मक समस्त पदार्थ वा जीव हमी छी, मुदा अज्ञानी व्यक्ति हमरा एहि त्रिगुणमयी मायाक कारण नहि चिन्ह पबैत छथि। जे हमर शरण में आबि जाइत छथि ओ एहि माया केर अवरोध के पार कऽ जाइत छथि। अशुद्ध आचरण वाला व्यक्ति आ अज्ञानी व्यक्ति माया केर अंधकार में बवाइते रहि जाइत छथि। परंच उत्तम आचरण युक्त व्यक्ति हमरा भजैत छथि। भजै शब्दक अर्थ थिक ईश्वर निर्मित एहि संसारक सेवा केनाइ। हमर भक्त तीन प्रकारक छथि, अर्थार्थी, जिज्ञासु आ ज्ञानी। अर्थार्थीक अर्थ भेल लाभ प्राप्तिक इच्छा वाला व्यक्ति। विनोबा जी उना एकरा दोसरे अर्थ लगबैत छथिन। जे व्यक्ति कोनो काज में लोकहित वा समाजक हित ध्यान रखैत छथि ओ अर्थार्थी भेला। दोसर भक्त जिज्ञासा के हेतु उत्सुकतावश भजन करैत छथि। तेसर ज्ञान प्राप्त कऽ हमरा भजैत छथि। ज्ञानी भक्त हमरा सबसँ प्रिय छथि, किएक तँ ओ सब पदार्थ सब जीव में हमरे झलक देखैत छथि। ज्ञानी भक्त हमरा चिन्हैत छथि आ हमर निकट रहैत छथि। काम में कर्मी अनेक देवता के भजैत छथि आ हुनक भक्तिक हिसाब सँ हम ही फल दैत छियै। अज्ञानी हमरा इंद्रिय द्वारा चिन्हबाक प्रयत्न करैत छथि, मुदा हमर स्वरूप इंद्रिय सँ परे अछि। सृष्टिक विधाता होइतो हमरा अज्ञानी पुरुष चिन्ह नहि पबैत छथि। सृष्टिक निर्माता सँ लोक के परिचय प्राप्त करबाक चाही। हुनका सँ जान पहचान भेला पर वेद जनित आसक्ति जनित मोह टालल जा सकै छै आ शांति आ समत्व बुद्धि प्राप्त कयल जा सकै। जे हमरा अधिभूत, अधिदेव आ अधियज्ञ रूप में चिन्ह लैत छथि ओ साम्य बुद्धि प्राप्त कऽ मृत्यु पश्चात जन्म मरणक बंधन सँ मुक्त भय जाइत छथि। जे संपूर्ण सृष्टि के परमेश्वर में देखैत छथि ओ परमेश्वर में मिल जाइत छथि। धन्यवाद, प्रणाम।